और रॉड में कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ हुआ है कि इट इज़ अ स्लिपरी रॉड दैट मीन्स कि ये फ्रिक्शन लेस है यहाँ पर ये जैसे इस सिस्टम को छोड़ देंगे तो उसके बाद में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछ रहे हैं तो एक तरीके से जो क्वेश्चन है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है हमें एफ इज इक्वल टू एम ए को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर और इनको अप्लाई करने के लिए पहले हमें यहाँ पर इनमें फोर्सेज को एक बार एनालिसिस कर लेना चाहिए कि कौन कौन से फ़ोर्सेज कैसे लग रहे होंगे तो मैं इनका एक बार फ्री बोल डाइग्राम बनायाता हूँ तो रिंग का अगर मैं फ्री बो डायग्राम बनाऊँ तो रिंग के फ्री बो डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज होंगे तो रिंग पे फोर्स लगाने वाले एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन से हैं तो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो यहाँ पर इस पर फोर्स लगाएगा इसका जो वेट है वो लगेगा यहाँ पर एम फिर इसके अलावा जो रॉड है रॉड के साथ कॉन्टेक्ट फोर्स आएगा जो कि फ्रिक्शन तो नहीं है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन होगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इस तरीके से आ जाना चाहिए फिर उसके बाद अगर मैं इसका फ्री बो डायग्राम बनाऊँ तो इसके फ्री बो डायग्राम में स्ट्रिंग टेंशन एंड इसका वेट कैपिटल एम तो सारे फोर्सेस हमने इस डायग्राम में यहाँ पे दिखा दिए हैं इसमें अब इसके बाद में ये डिसाइड करना चाहिए कि ये चलेंगे कैसे किस डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होने वाला है तो किस डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होने वाला है वो डिसाइड करते हैं तो ये जो रिंग है यहाँ पे वो रिंग इस रॉड के अलॉन्ग मूव कर सकती है यहाँ पर ऐसा समझा जा सकता है इसको देख कर के तो जो रिंग है वो इस रॉड के अलॉन्ग ही मूवमेंट दिखा सकती है इस रॉड के डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन मूवमेंट नहीं दिखा सकती है तो रॉड का जो रिंग का एक्सेलरेशन है वो रॉड के अलॉन्ग ही होगा यहाँ पर तो इसके एक्सेलरेशन को अज्यूम कर लिया एक, है एक। तो इट इज़ मूविंग अलॉन्ग दिस रॉड इट कैन नॉट मूव परपेंडिकुलर टू द रॉड तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो इसी डायरेक्शन में आएगा यहाँ पर अब इसका डिसाइड करने के लिए मैं देखता हूँ कि इस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो फोर्सेज सिर्फ वर्टिकल हैं ऑनली वर्टिकल फोर्सेज अगर सिर्फ वर्टिकल फोर्सेज हैं तो इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही आना चाहिए तो एक्सेलरेशन वर्टिकल होगा तो मैं एज्यूम करता हूँ इसका एक्सेलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स ए वन के बराबर है तो जितने वेरिएबल्स हमें एज्यूम करने चाहिए थे हमने सारे वेरिएबल्स यहाँ पे एज्यूम कर लिए एक बार एक बार अगर हम देखें तो वेरिएबल्स यहाँ पर ए ए वन टेंशन एंड नॉर्मल ये हैं कैलकुलेट तो हमें सिर्फ ए वन करना है यहाँ पर लेकिन बाकी के ये चीज़ें भी इसके अंदर यहाँ पर दिख रही है मुझे अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो हम उनके एक्सेशन को आपस में रिलेट कर सकते हैं क्योंकि कनेक्टेड बॉडीज़ विद द स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट अगर अप्लाई करें तो वहाँ से ए और ए वन में रिलेशन निकाला जा सकता है तो पहले हम ए और ए वन में रिलेशन निकाल के अपना एक वेरिएबल कम कर लेते हैं तो अगर ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के इस एंड पे जो बॉडी इसके साथ कनेक्टेड है वो इस तरीके के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ये जो बॉडी इस एंड पे कनेक्टेड है वो मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए वन डाउनवर्ड और स्ट्रिंग कंस्टेंट्स हमको पता है कि यहाँ पर स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के एक्सेलरेशन अलोंग एक्सेलेशन स्ट्रिंग इक्वल होने चाहिए तो ये तो अलोंग अलॉन्ग स्ट्रिंग है लेकिन इसका अगर मैं देखूँ अलोंग दिस स्ट्रिंग तो ये नाइन्टी माइनस अल्फ़ा यहाँ से देख सकते हैं नाइन्टी माइनस अल्फ़ा तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा ए साइन अल्फा तो स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे अलोंग अलॉन्ग स्ट्रिंग एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स बराबर करने पे ए वन जो है वो ए साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा तो ए वन इज़ इक्वल टू ए साइन अल्फा तो यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल कम हो गया एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया तो एवन जो है वो ए साइन अल्फा के बराबर हो गया इसमें तो एक तरीके से अब एक वेरिएबल चला गया एवन जो है हमने के टर्म्स में यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया अब इसके बाद में अब हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टू और उससे हम एक्सेलेशन निकाल पाएंगे इसके लिए <coughs> अगर मैं इसके लिए देखूँ तो इसके लिए हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसके लिए हमें जो इक्वेशन लिखना है वो इक्वेशन ऑब्वियसली सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना है सिर्फ तो एम जी माइनस t दिस इज़ इक्वल टू कैपिटल एम ए सैन अल्फा ये इसके लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन हो जाएगी फिर अब मैं अगर ऊपर वाले के लिए इक्वेशन लिखूँ रिंग के लिए तो रिंग में यहाँ पर अब हॉर्जोनटल फोर्सेस भी हैं वर्टिकल फोर्सेस भी हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस हैं यहाँ पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा कम से कम इक्वेशन में काम हो जाए तो मैं नॉर्मल को इक्वेशन से हटा दूंगा यहाँ पर टेंशन तो हमें लाना पड़ेगा इक्वेशन में क्योंकि टेंशन यहाँ पर आ चुका है टेंशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो नॉर्मल को मैं ऐसे इक्वेशन से हटा देता हूँ नॉर्मल किधर लग रहा है परपेंडिकुलर टू द रॉड तो मैं रिंग के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे रिंग के लिए इक्वेशन अलोंग द रॉड इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं अलोंग द रॉड तो अलोंग द रॉड इसका एक्सेलेशन इस डायरेक्शन में है तो अलोंग द रॉड क्या क्या फोर्सेज हैं तो एम जी का कॉम्पोनेंट एम जी या नाइन्टी माइनस अल्फा एंगल है तो एम जी साइन अल्फा टी का भी हो जाएगा टी साइन अल्फा तो एम जी साइन अल्फा प्लस टी साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू एम है तो ये दो इक्वेशंस यहाँ से बन जाएंगी और इन दोनों इक्वेशन से आप ए कैलकुलेट कर लो उसके लिए आप यहाँ पर टी को एल्बिनेट करो तो टी को एल्बेनेट करने के लिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद साइन अल्फ़ा तो इस पूरी इक्वेशन को आप साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर लो तो ऐड करोगे तो यहाँ पर एम जी साइन अल्फा एम जी साइन अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा तो ए की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट वैल्यू विल बी एम प्लस एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय तो यहाँ पे तो ये रहेगा m और यहाँ पर यह हो जाएगा m साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है तो ये जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है अभी हमने सिर्फ a कैलकुलेट किया है और a जो है वो एक्सेलेशन यहाँ पर किसका है रिंग का एक्सेलेशन है लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो एक्सेरेशन किसका है स्पेयर का तो स्पेयर का एक्सेलेशन कितना होगा तो इसमें साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ए वन है ए वन इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा तो जो फाइनल आंसर यहाँ बनेगा वो हो जाएगा एम प्लस एम जी साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम साइन स्क्वायर अल्फा इसमें एक मिस्टेक यहाँ पे कई बार इस तरह से हो जाती है कि जो वेरिएबल हम एज्यूम करते हैं उस वेरिएबल को कैलकुलेट करने के बाद में हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हमें एक्चुअल में क्या कैलकुलेशन करनी थी अगर ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट यानी कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन अगर होगा तो ऑप्शन क्वेश्चन में हो सकता है कि ये ऑप्शन भी हो अगर ये ऑप्शन है तो उस केस में ये गलती यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो सकती है कि हम इसको टिक करके आगे निकल जाएँ लेकिन एक्चुअल में जो आंसर है वो ये वाला होगा